तो जो चीज़ व्यापक हो चुका है एपिडेमिक, आज पूरे विश्व में कोरोना 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 वायरस लगता है कि जैसे किसी ने एटम बम गिरा दिया हो, लेकिन ये एटम बम से भी भयावह है। मैं ऐसा मानता हूँ कि एटम बम से भी भयावह है। ये जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है कि एक देश ने दूसरे पर मिसाइल छोड़ दिया, या कहीं से एटम बम गिरा दिया गया जो एटॉमिक पावर से न्यूक्लियर, उससे भी भयावह है। तो बीमारी तो खराब चीज़ है, आदमी के संबंध में डर लगा रहता है, सब घर में डर लगा रहा है कब क्या हो जाएगा पता नहीं। हम कहेंगे कि भाई बच कर रहना है, हाथ साफ करते रहना है, एक घंटा दो घंटा पर जब समय मिले साबुन से हाथ साफ धो लेना है और हाथ नहीं मिलाना है, यही सब नमस्ते करना है। जब तक बचाया जा सकता है तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा मेडिकल साइंस जो भी उसको बचाने की कोशिश करो, और उस जो पेशेंट जो इससे प्रभावित है उसके अंदर भी ऐसा कुछ करो कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो, विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर उसके अंदर में भरो, ताकि इससे वो खुद ब खुद उभरने की, और ट्रीटमेंट तो चलेगा ही, उभरने का वो प्रयास करे। नमस्कार, बिहार प्लस पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रत्नेश पांडे। दोस्तों, कोरोना वायरस का खौफ पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के बिहार सरकार भी एहतियात बरत रही है। और पिछले दिनों इसी एहतियात बरतने के साथ उन्होंने, बिहार सरकार ने पटना सहित बिहार के अन्य जिलों में बिहार के सभी स्कूलों को, सभी मॉल्स को, सभी पार्कों को, ऐसे जगहों को जहाँ पे 50 से अधिक पब्लिक जुटे, ऐसे जगहों को पूरा बंद करने का निर्देश दे दिया है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान के पास में, शहीद पीर अली चिल्ड्रंस पार्क के पास में। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगाया गया है पार्क बंद है का। जो ये चिल्ड्रंस पार्क था, ये यहाँ पे पटना के इस आसपास के इलाके के बच्चों की किलकारियाँ गूंजती थी, अब वो किलकारियाँ इस चिल्ड्रंस पार्क में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। पटना के अन्य पार्कों का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। हालांकि कुछ लोगों को, जिनकी जानकारी में नहीं है, वो अगर मार्केट घूमने आ रहे हैं तो वो एक बार पार्क के पास ज़रूर आ रहे हैं कि शायद पार्क खुला हो। बच्चे भी आ रहे हैं नज़र। पटना के अन्य पार्कों का नज़ारा भी हम आपको दिखाएंगे, किस तरीके से कोरोना वायरस के चलते पटना का पार्क सुनसान पड़ गया है, पटना की सड़कें भी सुनसान पड़ गई हैं। साथ ही पटना के लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या एहतियात बरत रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे जो कि पार्क घूमने के लिए आम दिन भी आते हैं, आज पार्क बंद है। कोरोना वायरस का चूँकि प्रकोप है, जिसके वजह से पार्क को बंद किया गया है। वहीं कुछ लोगों को जहाँ तक जानकारियाँ नहीं हैं, वो पार्क घूमने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चे आए हुए हैं पार्क घूमने के लिए। हम इन बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं, शायद ये हमसे कुछ बातचीत कर पाए। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? रोशनी। तुम्हें पता नहीं था कि पार्क बंद है? नहीं पता था। कोरोना वायरस के बारे में पता है तुम्हें? यस। क्या है कोरोना वायरस? कोरोना वायरस की वजह से बहुत लोगों की अभी मौत भी हो चुकी है, इसीलिए शायद बंद हो। अच्छा, तो इसके लिए बंद हो। तुमने सरकार ने जो चीज़ें कही हैं, जो गवर्नमेंट कही है, मास्क लगाने को कहा है, तुमने मास्क नहीं लगाया है, क्यों? पता नहीं, भूल गई मास्क लगाना। छोटी छोटी बच्ची भी आई है, बच्ची के साथ उनकी माँ भी है, हम इनसे भी बातचीत करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? रूबी शर्मा। आपको पता नहीं था कि पार्क बंद है, आप आई हैं घूमने? पता नहीं था, हम लोग आए थे मार्केट से, तो सोचा थोड़ा घूम लेते हैं, इसीलिए। कोरोना वायरस के बारे में कितना जानकारी है आपको? ज़्यादा तो नहीं, बाकी जो भी है तो बहुत खराब चीज़ है। कोरोना वायरस के बचाव के लिए क्या क्या कर रही हैं? बच्चों को आप घुमाने के लिए लाई हैं पार्क, उसके बचाव के लिए क्या क्या कर रही हैं? मास्क लगाना चाहिए, बाकी भूल गए हैं, नहीं लगा पा। मास्क नहीं लगा रही हैं, भूल गई हैं। चलिए, तो ये बच्चे की माँ है और फिलहाल ये मास्क लगाना भूल गई हैं, लेकिन बाकी चीज़ों का ये पूरे तरीके से ख्याल रख रही हैं। बहरहाल, ये आई थी घूमने के लिए मार्केट, सोचा कि पार्क घूम ले, लेकिन पार्क तो फिलहाल 31 मार्च तक बंद है। एक सर हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, कोरोना वायरस से बचाव के लिए आप क्या क्या एहतियात बरत रहे हैं? हम तो हाथ धो रहे हैं 4-5 बार दिन में, ऑफिस में आते तो भी हाथ धोते हैं। साबुन लाया है, साबुन से हाथ धो रहे हैं। सर, एक चीज़ बताइए, सरकार मास्क लगाने के लिए भी कह रही है, आप मास्क लगा के नहीं घूम रहे हैं?
मास्क लिए है, मास्क लिए लेकिन लगाए नहीं है। सर आपको डर नहीं है कि कहीं कोरोना वायरस? डर होगा, पटना में कोई डर नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मामला तो बिहार में ही आ रहे हैं सर। कहाँ बिहार में है? बिहार में आरा में पकड़े जा रहे हैं, सिवान में पकड़े जा रहे हैं। वहाँ कोई ये नहीं क्या होगा अपना बचाव के लिए? सर इस तरह की बीमारियाँ जो फैल रही हैं, क्या इस पे आप कहना चाहेंगे कोरोना वायरस को लेकर के? ये तो बीमारी तो खराब चीज है, आदमी के सब मन में डर लगा रहता है, सब घर में भी डर लगा रहा है कब क्या हो जाएगा पता नहीं। अभी तो चूँकि पूरा बिहार में फैला हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब बाहर से जाते हैं घर पे, तो हाथ वगैरह जो है हाथ पूरा अपना सैनिटाइजर से धोते हैं। बाकी फिलहाल तो अभी यही हुआ है। मास्क लगा के नहीं घूम रहे हैं? अभी चूँकि नीतीश कुमार भी बोले हैं कि अननेसेसरी मास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं लगा रहे। आप नहीं लगा रहे? जी। अपने परिवार वालों को कैसे ध्यान रख रहे हैं आप, उनको कैसे जागरूक कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग बैचलर रहते हैं, परिवार जो है गांव पे रहता है, तो इस वजह से अब परिवार तो गांव पे रहता है, गांव पे उतना अभी फैला नहीं है, तो इसलिए साफ सफाई पे ध्यान दीजिए। एक में मतलब ये सिर्फ मेरे ही लिए नहीं है, सबके लिए। मास्क लगाना ज़रूरी है क्या? ज़रूरी अभी सिर्फ उन्हीं के लिए हमको लगता है, मेरे हिसाब से जो इसका इलाज कर रहा है, और लोगों के लिए नहीं है। अब पॉल्यूशन इतना है, वो तो ऐसे भी लगाना चाहिए, लेकिन लोग लगाते नहीं है। अब किस तरीके से अपनी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं? रखे रहे हैं सर, मास्क पटना भीड़ भाड़ में नहीं बैठना है, ज़्यादा भीड़ वाला जगह पर नहीं जाना है, सावधानी बरतना है, हाथ धोना है, साबुन से हाथ धोना है बार बार, यही ना सावधानी करना है, दूसरा क्या करना है। सर मास्क आप कहाँ से लिए? पटना में तो मास्क मिल नहीं रहा। मेडिकल दुकान से हम लिए हैं, पहले से लिए। महंगा मिल रहा है मास्क? अभी हम नहीं, पहले से खरीदे हुए, पहले से। प्रदूषण के चलते पहले से खरीदे। प्रदूषण के साथ साथ आप कोरोना वायरस से भी बचाव कर रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा है हमारे साथ में, हाथ में बल्ला लिए हुए है, शायद वो क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा है, इससे हम बातचीत करते हैं। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? अपन। कहाँ जा रहे हो तुम? क्रिकेट खेलने। क्रिकेट खेलने जा रहे हो, कोरोना वायरस के बारे में जानते हो तुम? हाँ। क्या है कोरोना वायरस? बीमारी है। बीमारी है, एक बीमारी है। घर से बाहर निकलने के लिए नहीं बोला जा रहा, तुम क्रिकेट खेलने जा रहे हो? सब जा रहा है तो हम भी जा रहे हैं। सब जा रहा, हो जाएगा बीमारी तो भगवान ना करे हो, लेकिन हो जाएगा तो क्या करोगे फिर? नहीं ना होगा। नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? हम अच्छा से रहेंगे तो नहीं होगा। क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या तुमको जानकारी दी गई है कोरोना वायरस से बचाव के लिए, क्या क्या करना चाहिए? खाने टाइम हैंड वॉश करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? और घर में रहना चाहिए। घर में रहना चाहिए। तुम क्रिकेट खेलने निकले हुए हो? ऐसे सुबह से नहीं खेल रहे, इसीलिए अभी गए खेलने। अच्छा, शाम में कोरोना वायरस नहीं रहेगा, चलो ठीक है, अच्छी बात है। बच्चों के लिए कहा जाता है कि खेलते कूदते बच्चे स्वस्थ होते हैं, बच्चा खेलने के लिए जा रहा है क्रिकेट, अच्छी बात है, जाओ खेलने जाओ। पटना के गांधी मैदान के गांधी मूर्ति वाले पार्क के पास हम लोग मौजूद हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, एक भाई हैं, इनसे बातचीत करना चाहते हैं। सर आपका तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है नूर अख्तर अंसारी। एक बात बताइए, जहाँ सरकार कोरोना वायरस को लेकर के जहाँ सरकार पार्क में बंद 21 मार्च तक पार्क को बंद किया हुआ है, पब्लिक से ये ऐलान कर रही है कि आप पब्लिक पैलेस में ना जाएं, आप गांधी मैदान में बैठे हुए हैं, डर नहीं लग रहा है? नहीं, देखिए गांधी मैदान में बैठे हुए हैं तो यहाँ पे बहुत कम पब्लिक है, और हम लोग एक दूसरे से दूरी पे बैठे हैं, और गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल राइट डिसीजन लिया है, क्योंकि कोरोना वायरस से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है हर एक देश में, उसके चलते इकोनॉमिक्स डाउन हो रही है, लोग मर रहे हैं, तो ये सिक्योरिटी के चलते बहुत ही ज़रूरी है कि आप हमारी गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, तो हमारे लिए बहुत ही मतलब हम अपने गवर्नमेंट को थैंक्सफुल करना चाहिए कि वो अभी मतलब हमको इतना सिक्योरिटी दे रही है, प्रोवाइड कर रही है, और एक दूसरे से 31 मार्च तक। देखिए नुकसान सबका है, लेकिन इससे फ़ायदा बहुत है। आप मान लीजिए आप मर जाइएगा तो कल को आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं ना, तो इससे अगर बच सकते हैं जितना गवर्नमेंट आपको सिक्योरिटी देती है वो अच्छा है। आप क्या क्या कर रहे हैं उससे बचाव के लिए? मैं कुछ नहीं, बस आप अपने हाइजीन पर ध्यान दीजिए, मास्क लगा के चलिए, लोगों से थोड़ा दूरी बना कर रखिए, जब भी आपको खांसी आए तो थोड़ा अपने रुमाल लीजिए या मास्क लीजिए, उसके वजह से खांसी है। आपने तो नहीं लगाया मास्क? मैं लगाया था अभी मैंने, क्योंकि सरकार कह रही है कि पब्लिक पैलेस में जाए तो मास्क लगा के जाए। ओके पब्लिक पैलेस, लेकिन उसके डिस्टेंस भी डिसाइड किया हुआ है, डिस्टेंस के साथ साथ मास्क भी तो जरूरी है ना। देखिए हम लोग कितने मीटर पर बैठे हुए एक दूसरे से, मास्क भी तो जरूरी है ना। मास्क हो सकता है कि आसपास बहुत लोग खांस के छींक के चले जाए,
हाँ, लेकिन हम एक उसके साथ साथ हमारा एक प्लस पॉइंट है ना, हमारे बिहार में अभी एक भी कोरोना का कोई डिटेक्ट नहीं हुआ है ना। नहीं, तो आप खबर नहीं देख रहे हैं, कोरोना का बहुत सारे मरीज हैं पीएमसीएच में भर्ती। ओह, तो मुझे शायद नहीं पता है। नहीं पता है। ओके, नो प्रॉब्लम, सॉरी फॉर डैट, मैंने मास्क नहीं लगाया, लेकिन अगले बार से मैं लगाई। जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके लिए भी आप बताइए, उनके लिए भी कोरोना से बचाव के लिए आप ऐलान कीजिए, अपील कीजिए। कोरोना से बचाव के लिए अपील ये है कि जो भी हमारी सरकार मतलब आपको बता रही है, हमारे डॉक्टर्स बड़े बड़े जो हैं बता रहे हैं, उसको आप फॉलो कीजिए बस। पटना गांधी मैदान में कुछ युवा हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं, कितनी जानकारी है कोरोना वायरस को लेकर के और बचाव के लिए ये क्या कर रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? नितिन नाम है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहूँगा कि जो मास्क आप खरीद पहन रहे हैं, तो सबसे पहले ये बताया गया था कि मास्क वही उसी को पहनना चाहिए जिसको कोरोना है। अगर आपको पता है आपको फ्लू है तो आप मास्क पहने, ताकि आप स्प्रेड से स्प्रेड नहीं होता है, हवा से वो कोरोना वायरस स्प्रेड नहीं होता है, और बेसिकली वो सरफेस से स्प्रेड होता है, तो आप जितना हो सके अवॉइड कीजिए। पब्लिक जगह पे अगर हो तो सरफेस से ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं है, और सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, सैनिटाइज़र इज़ द बेस्ट वे। फैलने के लिए रोकने के लिए ज़्यादा प्रिकॉशन उनको लेने की ज़रूरत है जिनको फ्लू है या फिर उनपे लक्षण दिखे जा रहे हैं, बाकी ऐसे तो नॉर्मल लोग रिलैक्स रह सकते हैं, उतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक होना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। बस थोड़ा अपने प्रिकॉशन के लिए आप घर जाके सैनिटाइजर से हैंड वॉश वगैरह कंटिन्यू करना और फेस वेस को टच नहीं करना। वंस अगेन, देयर इज नो नीड टू वेयर मास्क, एब्सोल्युटली नो नीड टू वेयर मास्क, जिनको कोरोना हवा से नहीं फैलता है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? सरकार जहां तक कह रही है कि पब्लिक पैलेस में ना घूमें, फिर भी लोग पब्लिक पैलेस में ज़्यादा घूम रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक पैलेस में हम लोग देखिए मास्क लेकर घूम रहे हैं, लेकिन यहां प्रभाव कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए यहां पर खोल दिए हैं, लेकिन मास्क रखते हैं हम। बाकी और बचाव के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? और बचाव के लिए हम जैसे टीवी पर दे रहा है कि 20 मिनट साबुन से हाथ धोना चाहिए, तो साबुन से हम हाथ धोते हैं 1 घंटा पर, और बाहर निकले हैं तो यहाँ से जाएंगे तो हाथ धोएंगे। साथ में सैनिटाइजर्स लेके नहीं चल रहे? नहीं, सैनिटाइजर तो नहीं लिए हैं। और लोग जो भी देख रहे हैं, हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम कहेंगे कि भाई बच कर रहना है, हाथ साफ करते रहना है 1 घंटा 2 घंटा पर, जब समय मिले साबुन से हाथ साफ धो लेना है, और हाथ नहीं मिलाना है, यही सब नमस्ते करना जी जी। सबसे पहली बात है कि कहते हैं कि ये चीन से इसकी शुरुआत हुई है, और यूरोप एशिया पूरे विश्व के 84 देश इससे प्रभावित हैं। इंडिया में, भारतवर्ष में 84 संक्रमित लोग पाए गए हैं, जिसमें से 31 बिहार में है। अब तक तो सर लगभग 120 के करीब जा चुके हैं ये आंकड़ा। जी हाँ जी हाँ, लेकिन दो डेथ हुई है, एक दिल्ली में और एक केरल में कोरोना वायरस से, तो ये तो एपिडेमिक तो है ही। लोगों को क्या करना चाहिए सर? सावधानी आप करते हैं, प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए, तो सरकार आपको स्वास्थ्य और विभाग जो है इस बारे में, जैसे आप कहीं पे कॉल करते हैं अपने मोबाइल से तो खांसने की आवाज़ आती है, और उसके बाद समझाया जाता है कि आप क्या करें और क्या ना करें। बराबर अपने हाथों को, चेहरे को साबुन से धोएं, और कपड़े से ये करें साफ करें, एक दूसरे से हाथ ना मिलाए, मास्क जैसा कि आप लोगों ने पहन रखा है ये लगा के रखें, सावधानियां बहुत सारी बताई हैं, और इसके लक्षण भी बताए हैं कि तेज़ बुखार, बदन में दर्द, और तेज़ बुखार बदन में दर्द और भी कई लक्षण हैं इसके, ऐसा हो तो तुरंत अपने आप स्वास्थ्य के लिए किसी नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में पहुँचे, कि बताए छींक भी आना है इसमें शामिल। तो जो चीज़ व्यापक हो चुका है एपिडेमिक, आज पूरे विश्व में कोरोना 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 वायरस लगता है कि जैसे किसी ने एटम बम गिरा दिया हो, लेकिन ये एटम बम से भी भयावह है। मैं ऐसा मानता हूँ कि एटम बम से भी भयावह है ये, जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है कि एक देश ने दूसरे के ऊपर मिसाइल छोड़ दिया, या कहीं से एटम बम गिरा दिया गया जो एटॉमिक पावर से न्यूक्लियर,
उससे भी व्यापक। क्या लगता है सर, चीन के द्वारा जो है चीन से ये बीमारी फैली है, अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलते जा रही है, चीन को सबसे पहले इसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए था? जब 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 चीन में इस बीमारी के बारे में पता चला तो उसने बहुत तेजी से कार्रवाई की, क्योंकि वो तो विश्व की मदद तो लेता नहीं, वो तो अपने ही घर में सारा इंतजाम रखता है। तो वहाँ पे उसने अब तक, जैसा कि चीनी समाचार के अनुसार, वहाँ तो कई डेथ हो चुकी है, आंकड़ा हो सकता है कि बहुत कम करके दिखाया जा रहा हो, लेकिन डेथ वहाँ हजारों की संख्या में है और इससे पीड़ित बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर हैं। लेकिन उसने कहता है कि मैंने इसका निदान ढूंढ लिया है और मेरे पास पर्याप्त दवाइयाँ हैं और मेरे इलाज से लोग इस रोग से मुक्त हो रहे हैं, मेरे पास हर सुविधा है, मैं जांच भी लेता हूं, मैं उसका इलाज भी कर दे रहा हूं और लोग स्वस्थ होकर के अपने घरों में जा रहे हैं। और जैसा कि ये भी जानकारी मिली कि अगर ये भी है कि अगर देखा जाए कि कोरोना से ये पीड़ित वायरस से, तो शूट एंड साइट का ऑर्डर भी वहाँ दिया, देखो और गोली मार दो। लेकिन हमने तो ऐसा पढ़ा नहीं किसी पेपर में या किसी सोशल मीडिया में। शूट एंड साइट का ऑर्डर सही है क्या? मैंने निदान से तो ये शॉर्टकट रास्ता हो गया, ये तो हो गया, वही बात हो गई, ऐसे ही मर रहा है और गोली मार दो, बात तो एक ही हुई ना, तो उसको बचा, जो मर रहा है उसको बचाने का प्रयास करना है ना, नहीं कि उसको गोली मार देनी है। उसको बचाओ, जब तक बचाया जा सकता है, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा मेडिकल साइंस, जो भी, उसको बचाने की कोशिश करो और उस जो पेशेंट जो इससे प्रभावित है उसके अंदर भी ऐसा कुछ करो कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो, विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर उसके अंदर में भरो, ताकि इससे वो खुद ब खुद उभरने की, और ट्रीटमेंट तो चलेगा ही, उभरने का वो प्रयास करे। वो जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और फेसबुक पे देख रहे हैं हम लोग, तो जो जानकारियाँ मिल रही हैं उससे है, क्या बचाव के लिए आप क्या कर रहे हैं? मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजर जो होता है उसको लगा के हम लोग हाथ में ऑफिस में और बाकी जगह जो होता है वो लगा के और काम कर रहे हैं, और टाइम टू टाइम पे आधे एक घंटे पे हाथ धो भी ले रहे हैं। अभी आप लोग आए हुए थे पार्क घूमने के लिए, पार्क बंद है, क्या परेशानी हो रही है? पार्क बंद है तो इससे तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब मजबूरी है तो सरकार का डिसीजन तो अच्छा ही है, लोग हित में है ये। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कोरोना वायरस से बचने के लिए? कोरोना वायरस से सबसे बड़ा, सबसे पहला चीज़ तो यही है जो मतलब सबको करना चाहिए कि अपने हाथ को साफ रखें, बार बार नाक और मुंह ना छुएं, और कम से कम किसी से भी बात करें तो कुछ दूरी बना के, और एक सिंपल सा कोई भी मास्क या रुमाल चेहरे पे मतलब नाक को और मुंह को ढकने के लिए बांध लें। सबसे बड़ा तो यही है, ये अगर करेंगे, अगर सब लोग करना शुरू कर देंगे तो किसी को कुछ नहीं होगा।